हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। हम जानेंगे टैरो के थ्रू एंड गाइस और भी अपने डिफरेंट डेक से देखेंगे। एंड गाइस ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ओके सो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो किसी और के लिए है। ओके एंड अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप कहीं और किसी और चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं। ये सभी के लिए है रीडिंग, किसी भी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, सभी के लिए। कोई भी सिचुएशन में आप हो, आपके लिए ये रीडिंग है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। तो जानते हैं हम अपने डेक के थ्रू, टैरो के थ्रू। चलिए चलिए अब पिक करेंगे हम कार्ड। एक कार्ड आ गया, वाओ द लवर्स। ओके जेमिनी, थ्री ऑफ वैंड्स, ओके एस ऑफ सोर्ड्स। सो एरीज लियो सजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यस डेफिनेटली मिस तो करते हैं गाइस। नाइन ऑफ सोर्ड्स आ गया हमारे पास, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके टॉरस वीगो कैप्रिकॉन, जजमेंट, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके किंग ऑफ वैंड्स, डेथ एंड एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फोर ऑफ वैंड्स, ओके द टावर ऑल्सो। सो गाइस मैं आपको साइन बता देता हूँ, स्कॉर्पियो टॉरस स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज जो सजिटेरियस, सभी साइंस हैं हमारे पास, सभी एलिमेंट्स हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर मैं देखूं आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है बिकॉज टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बिल्कुल ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट, और काफ़ी लोग यहाँ पर सिंगल्स भी हैं, मैं ये भी देख पा रहा हूँ। सो जिन लोगों के बीच में ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है, डेफिनेटली उनका पर्सन उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है बिकॉज वो रातों को नींद नहीं ले पा रहा है अपनी, पूरी सो नहीं पा रहा है, बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है, एनजाइटी जैसी फील होता है उनको, या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने अपने ट्रू लवर को बहुत ज़्यादा पेन में डाल दिया है, इसलिए उनको ऐसा फील होता है कि यस अब वो आपके बिना नहीं रह पाते और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ टू ऑफ कप्स की, जो हमारा कार्ड रिवर्स में आया, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ आपने ना अपने पर्सन से बहुत प्यार किया, जिस भी पर्सन के साथ आपने डील की, अब मे बी वो गर्ल हो या बॉय हो या फिर सेम सेक्स जेंडर हो, ओके या सेम जेंडर हो आप दोनों का, सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो आप, तो आपने उससे बहुत प्यार किया बट उस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं किया। तो ये टाइम है आप अपने सेल्फ लव को जगाने का। आप ब्रेकअप में हो, डिसहार्मनी है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है अपने पर्सन पे, बट ये वक्त है अपने सेल्फ लव को बढ़ाने का। इसीलिए हमारे पास यहाँ से नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया बिकॉज आप सेल्फ सफिशिएंसी रखते हो अपने पास, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, अबेंडेंस है आपके पास, और यही अबेंडेंस आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस टाइम पर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई एक बहाना ही होता है आपके पर्सन अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो डेफिनेटली नाइन ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन अभी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और यहाँ से टू ऑफ कप्स से मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ कि यस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने खुद को प्यार करने की, अपने आप को प्यार करने की, अपने सेल्फ लव को प्यार करने की। आप जो हो, जैसे हो, ठीक हो, आपको बस यही कहने की ज़रूरत है, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बहुत ठीक हूँ, जो भी मैंने अपनी लाइफ में वर्क करना है वो गॉड गाइडेंस के थ्रू ही हो रहा है एंड भगवान मेरे साथ है, आपको बस यही बात बोलना है और अपने वर्क में आगे बढ़ जाना है, ओके बिकॉज आप जैसा और कोई हो नहीं सकता, भगवान ने आप जैसा एक ही बनाया है, तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ को एज अ इंडिविजुअल तो जीना ही होगा। सो ज़रूरत है आपको सेल्फ लव की, इसीलिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया बिकॉज गॉड ने जजमेंट किया है। यस पहले आप सेल्फ लव करना सीखो, देन आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। यहाँ से इतना तो मुझे क्लियर हो गया है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
ये सोच रहे हैं कि यस डेफिनेटली आपके साथ कहीं घूमने जाया जाए, या फिर आप क्या, तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो यहाँ से, ये भी गेट हो रहा है मुझको। बट यस ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं अपने करियर के लिए और आपके लिए, बिकॉज ये अपने करियर में स्टेबल अगर हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके घर पर रिश्ता लेकर आ सकते हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी दे सकते हैं। ये सब शोर्ट मुझे मेंटल क्लैरिटी दिखा रहा है, नई अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आ सकता है। सो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अगर टू ऑफ कप सोलमेट कार्ड रिवर्स में आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोलमेट नहीं हो, ये अभी मुझे सेल्फ लव दिखा रहा है यहाँ से। तो आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है एंड डेफिनेटली थोड़े से इगोइस्टिक है, एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को ग्रैटिट्यूड में बदलेंगे, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। एंड द लवर्स मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस आप दोनों सोलमेट हो, ट्रू सोलमेट, ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हो, या तो सुपर सोलमेट भी हो सकते हो। बट यस आप दोनों के बीच में प्यार है, इसीलिए ये कार्ड्स आए हैं। एंड डेथ मुझे दिखा रहा है कि यस जो भी सिचुएशन चल रही है अभी वो खत्म हो जाएगी, अवेकनिंग इनकी होएगी, चेंज इनमें आएगा। एंड जब इनमें चेंज आएगा तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे इस लव के लिए, बहुत हार्ड वर्क करेंगे आपको पाने के लिए, डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं पर्सन आपको पाने के लिए। एंड अगर मैं यहाँ से देखूँ तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, अवेकनिंग इनकी होगी। द टावर मुझे दिखा रहा है कि ऐसी अवेकनिंग इनकी होगी, सडन चेंज इनकी लाइफ में एक आएगा। सो बिल्कुल भी परेशान ना होना, बस आपको ज़रूरत है अपने सेल्फ पर वर्क करने की। यहाँ आपकी बात हो रही है और आपके पर्सन को भी ज़रूरत है कि वो अपने सेल्फ पर वर्क करें। एंड डेफिनेटली वो पर्सन आपको मिस तो करता है, आपके साथ जो भी बिताए हुए पल थे उनके, उन सबको वो याद तो करते हैं। एंड डेफिनेटली आपकी अबंडेंस से तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो, और गॉड ने ये जजमेंट दिया है गाइज, इसीलिए टू ऑफ कप्स अगेन जजमेंट के बाद रिवर्स में आया कि आपको सेल्फ लव सीखने की ज़रूरत है। सो सेल्फ लव सीखिए, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे लाइफ में, डेफिनेटली। देखा गाइस हमारा पहला कार्ड ही आया है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड नंबर टू इज डेटिंग। सो डेफिनेटली आपके पर्सन ने अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाई हुई है, बहुत भसड़ मचाई हुई है डेफिनेटली, अगर मैं ये बोलूँ तो। एंड इवन बहुत ज़्यादा इनके पास लॉस चल रहा है, बैंक लॉस, बैंक में पैसा नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, पैसा इनके पास नहीं है, लाइफ में इनके, इनका सोलमेट नहीं है, इनका ट्रू लवर नहीं है। सो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को पहले तो पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली अगर ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, आगे चल के आप दोनों के बीच में डेटिंग दोबारा से स्टार्ट होगी, डेफिनेटली आपको डेट करेंगे ये, सेल्फ वर्थ, डेफिनेटली वर्थीनेस। सो आपको ऐसा पर्सन बनना होगा कि जो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करे, एंड आपके पर्सन को भी यही होना है, पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, देन अपने लवर की तरफ बढ़ पाओगे। बिकॉज आप देख रहे हो इस पर्सन को, ये पर्सन पॉन्ड में खुद को देख रहा है एंड अपने आप को ही टच कर रहा है, अपने आप को ही फील कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है पहले, देन आप अपने लवर के टूवर्ड्स बढ़ने की सोचना। सोलमेट, डेफिनेटली सोलमेट्स हो आप दोनों, सोलमेट हो। एंड ल्यूमिनोसिटी, डेफिनेटली मैंने कहा ना आपकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपके पर्सन को, इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड देख लीजिए आप दोनों सोलमेट हो, एंड सोलमेट हो तो डेटिंग तो होनी ही है। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो गाइस, सोलमेट हो आप दोनों एंड डेटिंग आप दोनों के बीच में है। ओके पर्सन आपका बहुत मिस कर रहा है आपको, और देख लेते हैं आपको, और क्लैरिटी देते हैं अपने साइकिक से, देखते हैं क्या आता है निकल के आपके लिए। सेकंड गाइस कुछ कार्ड्स हमारे रिवर्स हो गए हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है निकल के। वाओ, वी हैव यूनिवर्स एंड वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट। सो गाइस यूनिवर्स आ गए हैं, अब तो कुछ हो जाओ, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, एक्सेलरेटेड मोशन। डेफिनेटली ये पर्सन अब एक, इन्हें एक मोशन में चलने की ज़रूरत है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन इन द सेंस कि अब इन्हें पॉजिटिव वे से वर्क करने की ज़रूरत है। एंड यूनिवर्स इनका साथ दे रहे हैं, आपका भी साथ यूनिवर्स दे रहे हैं, मटेरियल हार्वेस्ट भगवान का दिया हुआ आपके सब पास सब कुछ है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, जब भगवान आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको वर्क करने की ज़रूरत है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा। रेस्ट एंड रेजोनेशन, डेफिनेटली आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, रेजोनेट करने की ज़रूरत है, कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है, और जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है लाइफ में वो सब खत्म हो जाएंगी, बस आपको वर्क करना होगा अपने ऊपर। न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आ रही है लाइफ में। एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूवमेंट आगे चल के आपकी लाइफ में आएगा, क्या पता ये पर्सन ही वापस आ जाए। ओके सो न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में आ रही है, डेफिनेटली ये पर्सन न्यू बिगनिंग लेकर आएगा आपकी लाइफ में कोई ना कोई। एनर्जी और एक्सल से देखते हैं, मैजिशियन एंड द मिरर, डेफिनेटली आपको बैलेंसिंग की जरूरत है, जैसे कि मैंने कहा रेस्ट एंड रेजोनेट। ओके
हॉस्टिलिटीज मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस, इस पर्सन को ज़रूरत है अपने आप को एक योद्धा की तरह बनाने की, एंड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स आसपास चल रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली हो, जो भी हो, उनसे अपने लिए बातचीत करने की, यानी एक योद्धा की तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की। ओके, फोर्थ चाक्र आर्कएंजल राफेल, डेफिनेटली हार्ट चाक्रा ओपन करने की ज़रूरत है, तभी इनको ब्लेसिंग मिल पाएगी। एंजल्स की डोर टू रोमांस ओपन होगा जब हार्ट चक्र ओपन होगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हमें क्लियरली दिखा रहे हैं कि यस, इनको अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की ज़रूरत है। ओके, अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखेंगे एंड अपना डोर टू रोमांस ओपन करेंगे तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। डोर टू वैल्यू, डेफिनेटली इनको वैल्यू करने की बहुत ज़रूरत है चीज़ों को, जो भी इनके पास है उस चीज़ की वैल्यू को इन्हें समझना होगा। अगर ये वैल्यू करेंगे तो डेफिनेटली इनकी लाइफ का ये जो गार्डन एंड द गेट है, ये गेट खुल जाएगा। ओके, रेस्ट एंड रेजोनेशन अगेन, तो इनको रेस्ट की ज़रूरत है, रेजोनेट करने की ज़रूरत है, एंड इनको अगर अपना ये गार्डन खोलना है तो डेफिनेटली इनको पहले अपने अंदर बैलेंसिंग लानी होगी, देन ये गार्डन खुलेगा और इनको ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिल जाएगी। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ के किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं एंड ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर डोर टू रोमांस आया है, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल आए हैं, हॉस्टिलिटीज आई हैं एंड हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर। तो बैलेंसिंग जब ये अपनी लाइफ में ले आएंगे तो डेफिनेटली फोर्थ चक्र आर्कएंजल इनका हार्ट चक्र ओपन कर देंगे एंड ये अपनी बात आपसे बहुत ही इजी वे में बोल देंगे। एक कार्ड और लेते हैं, दो आ गए गाइस, दोनों ले लेते हैं। एंड भी ये पहले भी आया था बट मैंने पिक नहीं किया था। सो डेफिनेटली अभी इनको अपनी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना होगा, जिस भी नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं, एंड जब ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे तो नंबर फोर हमारे पास आ गया, हैप्पी फैमिली। सो डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली होगी। सो चलिए हम गॉड गाइडेंस देखते हैं, क्या गॉड गाइडेंस दे रहे हैं आपके पर्सन के लिए। विन विन आउटकम इज फोकस, डेफिनेटली ये पर्सन लाइफ में वापस आ सकता है अगर ये पर्सन वर्क करता है अपने ऊपर, काफ़ी मिस भी कर रहा है आपको। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दोनों के बीच में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल भी रहो और प्रैक्टिकल भी रहो, बी बोल एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पर्सन को फर्स्ट मूव लेना ही होगा, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। अगर वो अपने कम्फर्ट जोन में अभी बैठे हुए हैं आराम से, तो उसमें से बाहर निकलना होगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो इनको कंक्लूजन्स मिल जाएंगे। ओके, सो परेशान ना होना गाइस, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी अभी पत्थर पर नहीं लिखा है, तो डेफिनेटली वर्क तो आपको करना ही होगा। एंजल गाइडेंस, एंजल्स क्या कह रहे हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अपने सोल ग्रुप के लोगों से हेल्प मांग सकते हो आप, अपने एंजल से, यूनिवर्स से, बिकॉज हमारे पास यूनिवर्स आए हैं तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगनी चाहिए। हेल्पफुल पीपल, आपके सोल ग्रुप के लोग आपके आसपास हेल्पफुल पीपल बन के रहते हैं। वाओ, कॉम्प्रोमाइज़, अभी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो गाइस, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। देखा, हर तरफ से बैलेंसिंग ही बैलेंसिंग आ रही है। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली आपको फॉरगिवर बनना होगा, अपने आप को ही माफ़ करना होगा एंड अपने पर्सन को भी माफ़ करना होगा। जो भी प्रॉब्लम उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की, जो भी ऑब्स्टिकल्स उन्होंने क्रिएट किए, उन सभी ऑब्स्टिकल्स को बुला के आप अपनी साइड से माफ़ कर दोगे तो डेफिनेटली गॉड भी आपकी तरफ एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे एंड डेफिनेटली आपको बिग हैप्पी चेंजेस मिल जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली, तो अपने पर्सन से बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करना। ओके, सो गाइज देख लीजिए, आपके पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड मैंने आपको गाइडेंस भी दे दी कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। अब इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने लिए वर्क करते हो। एंड ये रीडिंग थी आपकी आज की, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबा दोगे तो दो वीडियो के नोटिफिकेशन रोज मिलते रहेंगे एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।